जैसे फ्रांस के पास शेरपा लाइट है, अफ्रीका के पास RJ-32 स्काउट है, कोरिया के पास किया द्वारा बनाया गया किया LTV है और अमेरिका के पास अमेरिका की कंपनी ऑसकॉस द्वारा बनाया गया JLTV है जिसने हम्वी को रिप्लेस किया है। ये सभी गाड़ियां लाइट मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं। ये आर्मर्ड गाड़ियां सेना के जवानों को वॉर जोन में प्रोटेक्शन देते हुए मूव करने में मदद करती हैं। और इनमें सबसे बड़ी कॉमन बात यह है कि ये गाड़ियां इन देशों की कंपनीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप की गई हैं और वो भी इनकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। और इसमें हैरानी की बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स होने के बाद भी भारत के पास अपनी खुद की ग्राउंड अप डेवलप ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी अभी तक, बल्कि लाइट यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल के नाम पर महिंद्रा रक्षक नाम की गाड़ी यूज कर रहा था जो कि डोनर गाड़ी की शैशी पर बनाई जाती थी। लेकिन देर से ही सही इंडिया ने भी एक इंटरनेशनल लेवल की ऐसी ही गाड़ी डेवलप कर ली है। और इसका पता कब लगा, जब 22 मार्च 2021 में SP शुक्ला जो कि महिंद्रा ग्रुप में डिफेंस एरो एंड एग्री हेड है, वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि महिंद्रा को आर्मी की तरफ से 1056 करोड़ का आर्मर्ड लाइट स्पेशल